नमस्कार, सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्री से आने वाली कंपनी और स्टॉक सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसका लिस्टिंग जनवरी 2020 में हुआ था स्टॉक मार्केट में। तब से अगर देखा जाए तो इसका जो लिस्टिंग प्राइस 230-232 रुपया था, वहां से ऑलमोस्ट 90% का एक अच्छा बुल रन दिखा चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन पिछले 2 सालों से जिस तरह से केमिकल इंडस्ट्री में एक साइडवेज मूवमेंट या करेक्शन का दौर चल रहा है, जिसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हाइक, दूसरे रॉ मटेरियल के प्राइसेस में हाइक, इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन कंपनीज के प्रोडक्ट का ज्यादा सप्लाई न हो पाना और डोमेस्टिक लेवल में भी सेल का कमजोर पड़ना, क्या ये जितने सारे निगेटिव इश्यूज थे फैक्टर इन हो चुके हैं? क्या आने वाले क्वार्टर्स में चाहे सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड हो या केमिकल इंडस्ट्री से आने वाली दूसरी कंपनीज, उनके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा? प्रेजेंट टाइम में सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल कैसा नजर आ रहा है? यहाँ से ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा रहने वाला है और क्या प्रेजेंट फंडामेंटल्स को कंसीडर करते हुए इस लेवल पर इस स्टॉक को किसी भी रिटेल निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए एक अच्छे रिटर्न के लिए, ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप नए इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो यहाँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले इसके ओरिजिन और प्रोडक्ट की बात करें तो मेनली सुमितोमो का ओरिजिन जापान है और जब से इसने इंडिया में अपने बिजनेस स्टार्ट किया, केमिकल इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्लेयर मानी जाती है, क्योंकि इस कंपनी के पास टेक्निकल बैलेंस पोर्टफोलियो का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से केमिकल इंडस्ट्री में एग्रोकेमिकल सेगमेंट हो, एनिमल न्यूट्रिशन सेगमेंट हो या एनवायरमेंटल हेल्थ बिजनेस सेगमेंट हो, वहां पर एक लीडिंग प्लेयर बनी हुई है। प्रेजेंट टाइम में अगर इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल स्टेट्स पर नजर डाला जाए तो मार्केट कैप इसका 21,885 करोड़ है, यानी अभी भी ये कंपनी स्मॉल कैप से बिलोंग करती है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा ये आपको हायर साइड में स्टॉक जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि स्टॉक पी इसका 51.3 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज आपको 30 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि आरओई भी इसका 23.4% है, जिसको अच्छा कंसिडर किया जा सकता है। पिछले 1 साल में इसने 382 रुपया का लो जबकि 541 रुपया का हाई बनाया है और डिविडेंड देने के मामले में अदर केमिकल कंपनीज की तरह रिकॉर्ड इसका उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज मात्र 0.27% रहता है। क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट पे अगर हम नजर डालें तो सेल्स इसका जून 2020 से लेकर जून 2023 के बीच में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया है, क्योंकि मात्र ये 646 करोड़ से बढ़ के 724 करोड़ तक पहुंचा है। हालांकि बीच के पीरियड में देखें, चाहे सितंबर 2022 का क्वार्टर रिपोर्ट हो, सितंबर 2021 का क्वार्टर रिपोर्ट हो, ये काफी स्ट्रॉन्ग और शानदार रहा है, लेकिन जो इसका लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2023 का रहा है, सिक्वेंशियल बेसिस पर तो जरूर थोड़ा बहुत ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल्स काफी खराब था, क्योंकि जून 2022 में इसका सेल्स 986 करोड़ का था। लेटेस्ट कुछ क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके सेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सितंबर 2022 में था, तब इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 278 करोड़ रहा है। उसके अलावा दो ही ऐसे क्वार्टर रहे हैं पिछले 12-14 क्वार्टर्स में, एक सितंबर 2020, दूसरा सितंबर 2021, जब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 200 करोड़ के ऊपर जाता हुआ दिखा। हालांकि जो लेटेस्ट इसके 3 क्वार्टर रिजल्ट रहे हैं दिसंबर 2022 से लेकर जून 2023 के बीच में, इस कंपनी का परफॉर्मेंस ना बिलो पार रहा है, बल्कि काफी पुअर भी माना जा सकता है। हालांकि ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री पर नजर डालें तो मैक्सिमम कंपनीज का परफॉर्मेंस आपको इसी लाइन में जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, इस पीरियड में न सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ठीक ठाक हाइक होता हुआ दिखा, बल्कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती हुई दिखी। लेकिन चाहे सुमितोमो केमिकल हो या इस इंडस्ट्री से आने वाली दूसरी कंपनीज, रॉ मटेरियल के बढ़े हुए प्राइस को ये अपने फाइनल प्रोडक्ट में प्राइस डे नहीं कर सके। हम अगर इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर भी नजर डालें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल से लेकर 10 साल में ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि इस पीरियड में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ लोअर साइड में 13% और हायर साइड में 22% रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में इसका सेल्स काफी ज्यादा डिक्लाइन किया है, जिसकी वजह से ये -1% हो गया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसके सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले 10 साल में इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ सबसे अच्छा 44% रहता है।
3 साल हो या 5 साल का डेटा हो, इस पीरियड में इसका प्रॉफिट ग्रोथ 28% से लेकर 31% के रेंज में रहता है। और फाइनली एक बार फिर से प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में काफी खराब रहता है, क्योंकि इस पीरियड में इसका प्रॉफिट ग्रोथ डिक्लाइन करके -8% हो गया है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो वैसे एनुअल बेसिस पर पिछले 3 साल में इसने 16% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 1 साल में ये -15% का रिटर्न दिया है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद से ऑलमोस्ट पिछले 4 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 90% के आसपास एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। इसके बैलेंस शीट पर नजर डाला जाए तो फिलहाल अच्छा माना जा सकता है इसके मार्केट कैप को कंसीडर करते हुए, क्योंकि लगातार मार्च 2012 से लेकर मार्च 2015 के बीच में इस कंपनी के पास कैश रिजर्व्स निगेटिव हुआ करता था, और यहां से जो कैश रिजर्व्स इसका पॉजिटिव होना स्टार्ट हुआ है। फाइनली पिछले 2 एनुअल रिपोर्ट में, चाहे मार्च 2022 का हो या मार्च 2023 का हो, ये 1425 करोड़ और 1881 करोड़ तक जा पहुंचा है। जबकि बोरिंग पार्ट पे नजर डाला जाए तो ऑलमोस्ट कई सालों तक इस कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्ज है, मात्र 0 या 1 करोड़। हालांकि पिछले कुछ एनुअल रिपोर्ट में जरूर ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी ये अंडर कंट्रोल है, क्योंकि ये 30 करोड़ से लेके 40 करोड़ के रेंज में बना हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी फिलहाल इसका ठीक ठाक बना हुआ है, क्योंकि पिछले 1 साल के डेटा पर नजर डाला जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार 75% बनी हुई है। FIs की होल्डिंग इस पीरियड में आपको कंसिस्टेंट नजर आएगा और मात्र 0.45 या 0.46% के आसपास बढ़ के ये 2.05% से बढ़ के 2.51% तक पहुंचा है। हालांकि DIs की होल्डिंग इस पीरियड में आपको कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 6.39% से गिर के 5.50% तक पहुंचा है। और पब्लिक, जिसमें रिटेल और HNI जाते हैं, उनकी होल्डिंग 16.5% से बढ़ के करीब करीब 17% तक पहुंचा है। शॉर्ट एनालिसिस को भी फिलहाल एवरेज या पुअर माना जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ 8, अपॉर्चुनिटी 2, टोटल 10 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 7 और थ्रेट 0, टोटल 7 का स्कोर हो रहा है। दोस्तों, ओवरऑल इस कंपनी का स्टैंड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक ठाक माना जा सकता है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट पे नजर डाले तो जरूर इसका इंडस्ट्री के कंपैरिजन में रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा स्लो रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में ये 12.89% था, जबकि इंडस्ट्री का ओवरऑल ग्रोथ 15.43% था। लेकिन जो पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, पिछले 5 साल में ये जिस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, मार्केट शेयर अपना इंक्रीज की है और ये 2.55% से बढ़ के 2.97% तक पहुंचा है। और जो दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, इसका नेट इनकम ग्रोथ, क्योंकि पिछले 5 साल में ऑन एवरेज इसका ग्रोथ 28.18% रहा है, जबकि ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री का नेट ग्रोथ करीब 19.5% के आसपास रहता है। इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस ग्रोथ को लेकर जो 7 एनलिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, उसमें 86% एनलिस्ट यानी करीब करीब 6 एनलिस्ट का ऐसा मानना है ओवरऑल इसका ग्रोथ आने वाले शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में अच्छा रहने वाला है, जबकि एकमात्र ऐसे एनलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे आउट ऑफ 7 जिनका मानना है ओवरऑल इसका ग्रोथ आने वाले शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में एवरेज या पुअर रह सकता है। PS के साथ सुमितमो केमिकल्स के वैल्यूएशन को अगर कंपेयर करके देखा जाए तो जो भी यहाँ पर 4 स्टॉक्स अवेलेबल है, वैसे तो ये सारी कंपनीज केमिकल इंडस्ट्री से आती है, हालांकि उसमें भी अगर आप माइक्रो डाउन करेंगे तो चाहे लिंडे इंडिया लिमिटेड हो, सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड हो या दीपक नाइट्राइट्स हो, इनका क्लास अलग हो जाता है। फिर भी चाहे इसका पी रेशियो हो, पीबी रेशियो हो, अगर उसको कंपेयर करके देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज नंबर 2 पोजीशन ये कंपनी होल्ड करती हुई दिखेगी, क्योंकि इससे कम या कह सकते हैं एक अच्छा वैल्यूएशन पर दीपक नाइट्राइट अवेलेबल है, क्योंकि उसका पी रेशियो 33.68 है और पीबी रेशियो उसका 7.02 है। नंबर 2 पे जो सुमितमो केमिकल इंडिया लिमिटेड देखने को मिल रहा है, इसका पी रेशियो करीब 44 और पीबी रेशियो 9.24 है। लिंडे इंडिया लिमिटेड का पी रेशियो हो या पीबी रेशियो हो, जरूर यहाँ पर काफी ज्यादा हायर साइड में देखने को मिल रहा है। ये कंपनी जिस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है, उसका सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो, पिछले 2-2.5 साल में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि ये उन रॉ मटेरियल को इस्तेमाल नहीं करती जो सुमितमो केमिकल इंडिया लिमिटेड या दीपक नाइट्राइट लिमिटेड करती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको आइडिया नहीं है तो एक चीज मैं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ, चाहे पी रेशियो हो या पीबी रेशियो हो, ये जितना कम हो उतना ही बेटर रहता है उस कंपनी और उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। दोस्तों, फाइनली अगर बात किया जाए केमिकल इंडस्ट्री का फ्यूचर चाहे इंडिया में हो या ओवरसीज हो कैसा रहने वाला है,
जैसा कि मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं, जब भी केमिकल इंडस्ट्री से आने वाले किसी स्टॉक पर मैं ये क्रिएट करता हूं, भले इस इंडस्ट्री का प्रेजेंट थोड़ा सा एवरेज या पुअर नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल आने वाले 3 से 4 साल ठीक ठाक या अच्छा ही रहने वाला है। जरूर बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए, जिसका एक बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट इन कंपनीज के शेयर प्राइस ग्रोथ पर भी देखने को मिला। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, एटलीस्ट आने वाला 1 से 2 क्वार्टर ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि चाहे सेल्स ग्रोथ हो, प्रॉफिट ग्रोथ हो या मार्जिन ग्रोथ हो, एक बार फिर से आपको थोड़ा सा दबाव महसूस होता हुआ दिखेगा, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन में जरूर आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि सुमितमो केमिकल इंडिया लिमिटेड भी एक मेजर प्लेयर है इंडियन केमिकल इंडस्ट्री में, स्पेशली एग्रो केमिकल्स की बात किया जाए या फॉर्मुलेशन की बात किया जाए तो इस कंपनी का सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी ठीक ठाक माना जाता है। इसलिए हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में जरूर इस कंपनी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा ना हो, लेकिन उसके बाद इस कंपनी के रिजल्ट में ठीक ठाक आपको इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। प्रेजेंट टाइम में जरूर इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये 50 के ऊपर चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या इस केमिकल इंडस्ट्री के कुछ दूसरे स्टॉक पे आप नजर दौड़ा लीजिए जहां पर वैल्यूएशन आपको रिजनेबल मिले, हाल फिलहाल कंपनी ने कैपेक्स कर रखा हो, ताकि आने वाले टाइम में वो प्रोडक्ट क्वांटिटी का मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर सके और ओवरऑल चाहे सेल्स हो या प्रॉफिट हो उसको बढ़ा सके। दोस्तों, ये तो रहा मेरा ओपिनियन, बाकी आप क्या सोचते हैं और इस इंडस्ट्री से आने वाले किस स्टॉक के बारे में आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो का लिंक अपने सर्किल में शेयर करना ना भूलें, ताकि अगर कोई बंदा है सुमितमो केमिकल इंडिया लिमिटेड जैसे स्टॉक में इंटरेस्टेड हो बाई करने के लिए, उस तक इस एनालिसिस को पहुंचाया जा सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।